जब आइंस्टाइन का जन्म हुआ था तब उनका सिर बहुत बड़ा था और उन्होंने 4 साल की उम्र तक बोलना भी शुरू नहीं किया था। मगर एक दिन जब 4 साल के बाद आइंस्टाइन अपने माता पिता के साथ रात को खाने पर बैठे थे तो उन्होंने अपनी 4 साल की चुप्पी तोड़ते हुए कहा, सूप बहुत गर्म है। अपने बेटे के इस तरह से 4 साल बाद एकदम बोलने से आइंस्टाइन के माता पिता हैरान हो गए। जब आइंस्टाइन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में कार्य करते थे तो एक दिन यूनिवर्सिटी से घर वापस आते समय वे अपने घर का पता ही भूल गए। हालांकि प्रिंसटन के ज़्यादातर लोग आइंस्टाइन को पहचानते थे, किंतु जिस टैक्सी में वे बैठे थे उसका ड्राइवर उन्हें नहीं पहचानता था। आइंस्टाइन ने ड्राइवर से कहा, क्या तुम्हें आइंस्टाइन का पता मालूम है? ड्राइवर ने जवाब दिया, प्रिंसटन में भला कौन उनका पता नहीं जानेगा। यदि आप उनसे मिलना चाहते हैं तो मैं आपको उनके घर तक पहुँचा सकता हूँ। तब आइंस्टाइन ने ड्राइवर को बताया कि वह खुद ही आइंस्टाइन है और वह अपने घर का पता भूल गए हैं। ये जानकर ड्राइवर ने उन्हें उनके घर तक पहुंचाया और आइंस्टाइन के बार बार आग्रह के बावजूद भी टैक्सी का भाड़ा भी नहीं लिया।